हेलो दोस्तों, निफ्टी ट्रेडर की एजुकेशनल सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत कर रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं हेकिन एशी चार्ट्स के बारे में। हमें काफी सारे दर्शकों ने, काफी सारे लोगों ने ये बोला है कि हमें हेकिन एशी के बारे में जानना है, कुछ एग्जॉटिक चीज है, क्या है, कैसे यूज किया जाए इसे, ये समझना चाहते हैं। अब यहां पर शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आपको दो डिस्क्लेमर दे देता हूँ। पहला, मैं इसे बहुत ज्यादा यूज नहीं करता, मैं इन चार्ट्स पर बहुत ज्यादा रिलाय नहीं करता हूँ। दूसरा डिस्क्लेमर यह है कि हेकिन आशी चार्ट्स के बेसिस पर आप अगर ट्रेडिंग लेना चाहते हैं, आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं और ये आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि हेकिन आशी के बेसिस पर हम एक चार्ट, एक नया ट्रेड इनिशिएट भी कर लेंगे और उसको क्लोज भी कर देंगे और उसमें से प्रॉफिट भी बना लेंगे, तो आप इस वीडियो को आगे मत देखिए। ये कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं है, ये सिर्फ एक चार्टिंग करने का तरीका है, एक वे ऑफ चार्टिंग है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इसका क्या बेनिफिट होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। हेकिन आशी का जापानीज में मतलब होता है एवरेज पेस या एवरेज प्राइस दिखाने का एक तरीका। अब ये क्यों किया जाता है, ताकि हम जो कैंडलस्टिक चार्ट्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल हमारे पास में चार्ट्स होते हैं, जो हम काफी यूज करते हैं, ज्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट इसको यूज करते हैं, तो उसमें से जो नॉइज होती है, नॉइज यानी विप्सॉज आपको काफी सारी दिखाई देंगी। कभी एक ग्रीन कैंडल दिखाई दे रहा है, कभी एक बीच में रेड कैंडल दिखाई देता है, तो ट्रेंड का पता नहीं लग पाता कैसे जा रहा है, अभी ट्रेंड ऊपर है या ट्रेंड रिवर्स हो गया है, कंसोलिडेशन शुरू हो गया, ये सारी चीजें मालूम नहीं चलती। तो थोड़ा सा ये हमें हेल्प कर देता है ओवरऑल ट्रेंड का डायरेक्शन जानने में। और अगर आप इसे देखेंगे तो ये जो है, इसकी कैलकुलेशन की वजह से ये थोड़ा सा लैगिंग इंडिकेटर होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर नॉइज रिड्यूस किया है। जब भी आप नॉइज रिड्यूस करेंगे किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर के अंदर, जब भी आप कोशिश करेंगे कि नॉइज रिड्यूस हो जाए या फॉल्स सिग्नल्स आने बंद हो जाएं, तो वहां पर थोड़ा सा उस वजह से लैग भी आता है। अब लैग का रीजन ये है क्योंकि हम प्रीवियस डे का कैंडल यूज कर रहे हैं, प्रीवियस डे की कैंडल का डेटा यूज कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। दूसरा, आप ये देखेंगे कि हेकिन आशी में स्मूथनेस की वजह से आपको कहीं गैप्स भी नजर नहीं आएंगे, जो ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक्स में गैप्स हुआ करते हैं। अब ये एक कंपैरिजन चार्ट है, ये जो लेफ्ट साइड में आपको चार्ट दिखाई दे रहा है ये है इंफोसिस का कैंडलस्टिक चार्ट। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर एक गैप भी आया हुआ है। दूसरा, जो अभी है मार्केट में ये जो पोर्शन है, यहां पर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है या यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस मिला है इस ट्रेंड को, ये कोई रेजिस्टेंस लेवल मीट करके शायद अब नीचे की तरफ जाने वाला है। ये आज का ही चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर येलो कलर की आज की कैंडल है। लेकिन हेकिन आशी में जब आप देखेंगे तो हेकिन आशी में क्या होता है, जब आपको विक्स नजर नहीं आते पुरानी पिछली कैंडल्स में, ये जो मेरी करंट कैंडल है, मान लीजिए ये जो कैंडल है एक दिन पहले की, यस्टरडेज कैंडल, इसमें अगर आपको लोअर विक नजर नहीं आ रहा है और ये सफेद रंग की कैंडल या हरे रंग की कैंडल है, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रेंड भी कंटिन्यू कर रहा है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक यूज केस बताऊंगा कि आप इस हेकिन आशी को कहां यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है जानना कि एक तो ये जो ट्रेडिशनल चीजें होती हैं यहाँ पर, जैसे गैप्स आने चार्ट में या फिर जो हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, वो यहाँ पर इतने यूजफुल नहीं होंगे, थोड़ा लैगिंग इंडिकेटर है। और दूसरा, कुछ जो स्मूथनेस है उसमें आ जाएगी कैंडल में। अब ये यहां पर हमने आपको सिंपल सा थोड़ा सा एक तरीका दिखा दिया है कि ये कैंडल जो है हेकिन आशी को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो हेकिन आशी का जो ओपनिंग प्राइस है वो प्रीवियस कैंडल जो है, प्रीवियस हेकिन आशी कैंडल है, उसका ओपन और क्लोज का एवरेज होता है। तो ओपन और क्लोज डिवाइडेड बाय 2 अगर कर देंगे तो उसका हेकिन आशी का ओपनिंग प्राइस आ जाएगा। उसी तरह से जो इसका क्लोजिंग प्राइस है वो पिछली कैंडल का ओपन, हाई, लो और क्लोज, इन सब का मिला के जो एवरेज प्राइस बनेगा वो इसका क्लोजिंग प्राइस आ जाएगा। और ये ओपन और क्लोज जो है, इसके अलावा हम तीसरा पॉइंट कंसिडर करेंगे, जो आज का हाई बनाया है इस करंट कैंडल ने, तो जो भी आज का हाई बन रहा है, अब इन तीनों में से पहला एक, ये दूसरा क्लोजिंग प्राइस और तीसरा करंट कैंडल का जो आज का हाईएस्ट प्राइस है, इन तीनों का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो बन जाएगा हेकिन आशी का हाईएस्ट पॉइंट, हेकिन आशी का हाई। इसी तरह से लो की भी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो उस तरह से आपका ओपन, क्लोज और करंट कैंडल का जो अपना लोएस्ट पॉइंट है वो बन जाएगा हेकिन आशी का लो।
तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये आपको यूजुअली मिल जाएगी कोई भी चार्ट में. तो इसे सिर्फ नॉलेज के लिए यहाँ बता रहे हैं, इसका कोई आपको यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये काफी सारे चार्टिंग सॉफ्टवेयर्स में अवेलेबल है ऑलरेडी. तो आज बताएंगे पांच कंसेप्ट. ये पांच कंसेप्ट अगर आपने समझ लिए तो समझ लो कि आपको हेकिन एशी के बारे में काफी नॉलेज हो गई है. इसके ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कहाँ यूज करेंगे वो भी मैं एंड में बताऊंगा आपको इस वीडियो के एंड में. तो पहला कंसेप्ट ये है, पहला मूल मंत्र इसका हेकिन एशी का ये है कि अगर आपको हरी कैंडल्स नजर आ रही हैं या ग्रीन कैंडल्स या होलो कैंडल कहें सफेद रंग की कैंडल्स अगर आपको नजर आ रही हैं तो ये जो है ये अप पीरियड मतलब ट्रेंड ऊपर की डायरेक्शन में चल रहा है ये दर्शाएगा. और अगर रेड या फिल्ड कैंडल्स नजर आ रही हैं तो ये दर्शाएगा कि कैंडल जो है ये जो हमारा ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंडिंग है, वो नीचे की तरफ जा रहा है. दूसरा कंसेप्ट जो है कैंडलस्टिक के अंदर कि जो भी हमारे ट्रेडिशनल पैटर्न्स होते हैं, ट्रेडिशनल जहां पर हम कैंडलस्टिक को रीड करते हैं कि अच्छा थ्री व्हाइट सोल्जर्स बन गए या थ्री ब्लैक क्रोज बन गए, यहां पर गैप आ गया या फिर बुलिश एंगल्फिंग हो गया या इवनिंग स्टार बन गए, डोजी बन गया, तो उनका यहां पर कोई रेलेवेंस नहीं है. तो उनके बेसिस पर आप हेकिन एशी को रीड नहीं कर सकते. ये था हमारा दूसरा कंसेप्ट. तीसरा कंसेप्ट जो है, अब क्योंकि हेकिन एशी प्रीवियस कैंडल का कुछ डेटा यूज करता है जैसे अभी आपको कैलकुलेशन में भी दिखाया था, तो उसकी वजह से इसके अंदर कुछ लैग आ जाता है. लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी होता है कि ये जो है एक ओवरऑल ट्रेंड की डायरेक्शन को दिखाएगा आपको कि ये ट्रेंड किस डायरेक्शन में जा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्मूथनेस आ जाती है चार्ट के अंदर. अब जो चौथा कंसेप्ट है, अब इसमें चार तरह की आपको ब्रॉडली कैंडल्स नजर आएंगी. एक अगर आपको कैंडल नजर आती है जहां पर अपर शेडो नहीं है, जहां पर अपर शेडो मिसिंग है और रेड कलर की कैंडल है, ये विदाउट अपर शेडो और रेड कलर की कैंडल है, तो ये कहलाएंगी बेयरिश कैंडल्स. ये पहला कैंडल का प्रकार है, प्रकार नंबर वन. जो दूसरा कैंडल का प्रकार है वो है ग्रीन कैंडल्स विदाउट लोअर शेडो, मतलब नीचे वाली जो शेडो होती है, नीचे वाली जो विक जिसे कहते हैं, वो अगर मिसिंग है और ये हरे रंग की कैंडल है तो ये कहलाएगी बुलिश कैंडल. तीसरी जो आपको जानने की जरूरत है वो है स्मॉल बॉडी अगर आपको नजर आती है, डोजी जैसी कोई कैंडल नजर आती है, छोटी सी बॉडी हो जहां पर और जो शेडो है या विक है वो दोनों तरफ अगर नजर आती है तो वो होती है एक पोटेंशियल रिवर्सल कैंडल या इनडिसिजन कैंडल. अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी ये स्मॉल बॉडी कैंडल अपीयर होगी वहां पर रिवर्सल होगा, इसका सिंपली मतलब ये है कि अब यहाँ पर कुछ इनडिसिजन है, हो सकता है कुछ रिवर्सल आ जाए. फिर एक सिग्नल कैंडल जो है ये आपको कई सारे जो टेक्नीशियंस हैं वो बताएंगे कि इसके बेसिस पर आप ट्रेड ले सकते हैं, जो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि स्टैटिस्टिकली ये प्रूव किया गया है कि अगर हेकिन एशी के बेसिस पर आप ट्रेड लेंगे तो वो अल्टीमेटली आपके लिए लॉस मेकिंग होगा, उसमें विनिंग परसेंटेज बहुत अच्छी नहीं होती है. और विनिंग परसेंटेज अगर अच्छी भी मिल गई तो भी आपका जो विनिंग जो अमाउंट है वो आपको बहुत अच्छा नहीं मिलेगा. लेकिन फिर भी इसका एक यूज केस है जो अब हम बताएंगे. लेकिन उससे पहले यहां पर एक देख लेते हैं, ये जैसे डोजी की तरह कैंडल है या एक कोई हमने कैंडल मान लीजिए इसकी छोटी बॉडी है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर. डोजी होना जरूरी नहीं है इसका, ये अगर छोटी बॉडी होती रेड कलर की या ग्रीन कलर की अगर बॉडी भी होती तो भी हम इसे कहते कि ये पोटेंशियल रिवर्सल कैंडल है. अब इससे पहले आप देखेंगे कि जो पहले वाली कैंडल है उसमें जो है लोअर विक है, अपर विक नहीं है और ये रेड कलर की कैंडल है. इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब शायद यहां पर एक इनडिसिजन की एक कैंडल बन गई है. उसके बाद में एक ये जो कैंडल बनी है ये इनडिसिजन वाली, ये इनडिसिजन के बाद में ये जो हरी कैंडल बनी है इसका मतलब है कि ये है सिग्नल कैंडल. अब ये काफी लोग यूज करते हैं, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, वापस बता रहा हूं, ये है सिग्नल कैंडल क्योंकि यहां पर विक नहीं है, हरे रंग की कैंडल है, तो जो इनडिसिजन के बाद में पहली आपको कैंडल नजर आएगी ये कहलाएगी सिग्नल कैंडल. अब ये क्लोज हो गई, क्लोजिंग पर आपको मालूम चलेगा तो अगले दिन आप एक ट्रेंड इनिशिएट कर सकते हैं. लेकिन यहां पर क्या हुआ, अगले दिन हमने ट्रेंड इनिशिएट किया लेकिन यहां पर एक वापस से वीक कैंडल यहां आ गई जहां पर इनडिसिजन हो सकता था क्योंकि यहां पर दोनों साइड में विक आ गया. अब विक आते ही ये वीक स्ट्रेंथ वाली कैंडल बन गई है. अब ये मार्केट वापस ऊपर जाना शुरू हुआ लेकिन यहां भी विक है, यहां भी विक है, छोटा सा लोअर शेडो है हरे कैंडल के ऊपर, तो ये जो ट्रेड है आपका, जो आपने ट्रेड इनिशिएट किया था वो आपको क्लोज करना पड़ेगा. उसके बाद में आप वापस जब एक कोशिश करेंगे नया ट्रेंड ढूंढने की तो आपको यहां पर जैसे इस केस में आपको ट्रेंड तो रिवर्स हो गया है लेकिन यहां पर आपको कोई भी
ये हमारी छोटी बॉडी वाली जो कैंडल है, जैसे हम इनडिसिजन कैंडल बोलते हैं, वो यहाँ पर कोई भी कैंडल अपीयर नहीं हुई। तो ये चीज ध्यान में रखिए कि ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ट्रेंड रिवर्सल से पहले कि एक छोटी बॉडी वाली कैंडल दिखेगी ही दिखेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। अब इस केस में यहां पर है, जैसे ये जो है हमारी सिग्नल कैंडल बन गई, और सिग्नल कैंडल के बाद में अगर आपने यहां ट्रेड इनिशिएट किया तो ये आपके लिए काफी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड जनरेट कर सकता है। ये आपको पूरा का पूरा यहां पर अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है अगर आपने शॉर्ट किया इस लेवल पे। और यहां पर जैसे ही ये मुझे हरी रंग की कैंडल नजर आई, यहां पर मैंने अपना जो था इसको क्लोज कर दिया, और उसकी वजह से मान लीजिए यहां पर कहीं जाकर मैंने अपना टारगेट हिट किया और इसे क्लोज कर लिया। तो ये इसका बेसिकली कंसेप्ट है। और यहां से धीरे धीरे ये बुलिश कैंडल शुरू हो गई, ये बुलिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, जैसा आपको पहले बताया था। अब इसका पांचवा कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिकली मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर हाइकिन एशी के बेसिस पर आप ट्रेड लेना चाहते हैं या इसको स्ट्रेटजी मानकर चलते हैं कि जैसे रिवर्सल कैंडल आएगी या जैसे सिग्नल कैंडल आएगा उसके बाद में मैं एक ट्रेड इनिशिएट करूंगा, तो वो आपके लिए हमेशा लॉस मेकिंग होगा, वो स्टैटिस्टिकली प्रूवन है। इसे मत कीजिए, इसे दूसरे इंडिकेटर्स के साथ आप भले यूज कीजिए, शायद आपको थोड़ा सा अच्छा ये कुछ बेनिफिट दे देगा। लेकिन अगर आप नए हैं, अगर इफ यू आर अ बिगिनर, अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये जो हेकिन एशी है इसे एग्जिट्स के लिए यूज कर सकते हैं, ट्रेंड इनिशिएट करने के लिए नहीं। कि आपने एक नया पोजीशन ओपन किया उसके लिए यूज मत कीजिए, लेकिन अपने ट्रेंड, अपने जो ट्रेड है उसको कहां पर क्लोज करना है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। हालांकि इससे बहुत अच्छे तरीके होते हैं जानने के लिए कि किस तरह से कब अपने ट्रेड को क्लोज करना है, जो आपकी ओपन पोजीशन है उसे कब एग्जिट करना है, उसको जानने के लिए बहुत बेहतर तरीके अवेलेबल हैं। लेकिन जब तक आपके पास में और कोई बेहतर तरीका अवेलेबल नहीं है तो इसे एक बेंचमार्क की तरह मान सकते हैं कि इसको यूज करके चलो हम एक एग्जिट स्ट्रेटजी बनाते हैं। और अगर देखते हैं कि हेकिन एशी के बेसिस पर हम अगर एग्जिट लेते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, वनस्पत जो हमारे कोई और अगर हमारे पास में स्ट्रेटजी मिलती है एग्जिट के लिए उसको यूज करें, तो एक कंपैरिजन के लिए आपके पास में अच्छा बेंचमार्क बन जाएगा। अब यहां पर ये हो गए हमारे कुल मिला के पांच मंत्र हेकिन एशी के जिनको आप यूज कीजिए। अब यहां पर एक छोटा सा बैंक निफ्टी का जो करंट चार्ट है वो दिखा रहे हैं कि यहां पर अगर मान लीजिए आपने यहां पर कहीं पर हेकिन एशी का एक ट्रेड इनिशिएट किया होता तो यहां पर आपको कंटिन्यूअसली जैसे रेड कलर की कैंडल नजर आ रही हैं। तो आपने जैसे पहले यहां पर ट्रेंड इनिशिएट करके यहां तक मुनाफा बना लिया, जो अच्छा खासा मुनाफा है बैंक निफ्टी के हिसाब से, करीब 1000 पॉइंट्स का प्रॉफिट आप बना सकते हैं। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, यहां पर एक वापस एक कैंडल आई जिसने कहा कि अच्छा ये पोटेंशियल हो सकता है रिवर्सल हो गया हो, लेकिन उसके बाद में ट्रेंड जो था कंटिन्यू किया डाउन की तरफ, ये हमारी बन गई सिग्नल कैंडल जिसने कहा कि ट्रेंड नीचे की तरफ ही कंटिन्यू करने वाला है। हालांकि यहां पर जो था एक छोटा सा विप्सो मिला था हमें जिसकी वजह से हमने ट्रेड क्लोज किया, उसके बाद में वापस एक सिग्नल कैंडल आई, यहां पर आप वापस ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा यहां तक बना सकते हैं। और यहां पर फिर ये ट्रेड जो है वापस से क्लोज हो जाएगा इस कैंडल के साथ में। तो यहां तक तो ये जब बहुत ही स्ट्रांग ट्रेंड है तब तो बड़ा प्रॉफिटेबल इसने ट्रेड दे दिया हमें, लेकिन अब जो रिसेंट इसकी एक्टिविटी देखेंगे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये जो एक्टिविटी आ रही है, तो यहां पर आप अगर इस स्ट्रेटजी को यूज करके ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको कंटिन्यूअसली लॉस मेकिंग ट्रेड देगा, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा वेबसॉल्स हैं। क्योंकि हम वेट करते हैं सिग्नल कैंडल का, सिग्नल कैंडल के बाद हम वेट करते हैं कि एक यहां पर ट्रेड इनिशिएट करें। अगर मैंने मान लीजिए यहां ट्रेड इनिशिएट किया और ये मार्केट यहां तक गया, उसके बाद में अगर मैं इसे क्लोज भी करूंगा तो मान लीजिए इस कैंडल पे जाकर क्लोज कर पाऊंगा, तो ये मेरे लिए लॉस मेकिंग एक स्ट्रेटजी बनेगी अगर मैं इसके बेसिस पर लॉन्ग और शॉर्ट लेता हूं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ये था हेकिन एशी का छोटा सा इंट्रोडक्शन, छोटी सी जानकारी। यूज करना चाहे यूज कीजिए, बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको इसी तरह की कोई चीज जानना चाहते हैं, कोई और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसके बारे में आप चाहते हैं वीडियो बनाएं, तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा हमें बताइए, ताकि हम और अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और अच्छे वीडियोस आपके लिए बना सकें और ट्रेडर एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।